हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रजनी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। नेक्स्ट नाइन लाइफ जो हमेशा आप सबको रखता है हर एक मामले में सबसे आगे, हर एक मामले की अपडेट। अब चाहे वो किसी की बायोग्राफी हो, किसी का निधन हो, किसी का दुख भरा समाचार हो, किसी की प्रेगनेंसी हो, या फिर हो 6 महीने पुराना मामला सुशांत सिंह राजपूत का। आज हम सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर एक बार फिर से आप सब से रूबरू हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मामला, जिस पर अभी तक तो कई खुलासे हुए, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा खुलासा हो रहा है जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये खबर किसी और को लेकर नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की विटनेस आनंदी धवन को लेकर है। आनंदी धवन वही लड़की है जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर रहती थी। आनंदी धवन वही लड़की है जिसका कनेक्शन सिद्धार्थ पिठानी, रुया चक्रवर्ती, सुशांत का परिवार, जीजा, बहन सबके साथ था। लेकिन 6 महीने का वक्त बीत गया और इन 6 महीनों में एक बार भी ना तो सुशांत के परिवार ने, ना ही रुया चक्रवर्ती ने और ना ही सिद्धार्थ पिठानी ने, किसी ने भी जिक्र नहीं किया था आनंदी धवन का। लेकिन अब 6 महीने बाद इसी आनंदी धवन को लेकर हो रहे हैं कई बड़े खुलासे। ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने किया दावा आनंदी धवन को लेकर। उन्होंने कहा कि आनंदी धवन वही लड़की है जो 13 जून 2020 की रात भी सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर उसकी पार्टी में मौजूद थी और ये जानती है सच 13 जून की रात का और 14 जून सुबह सुशांत के साथ क्या हुआ उसका भी सच। अब इस बीच और क्या क्या खुलासे किए सुनील शुक्ला ने, देखिए ये रिपोर्ट। 13 जून की रात आनंदी धवन थी सुशांत सिंह के घर पर, रात भर फ्लैट पर हुआ था। तो क्या है पूरा सच आनंदी धवन को लेकर, तो बता दे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो जिम पार्टनर था सुनील शुक्ला, उसने इस बात का दावा किया था कि आनंदी धवन वही लड़की है जो सुशांत के हादसे की पूरी सच्चाई जानती है और जब से सुशांत का हादसा हुआ है वो तब से गायब है। यहां तक कि सुनील शुक्ला ने इस बात का भी दावा किया कि 13 जून की रात भी आनंदी सुशांत के घर पर थी। लेकिन जैसे सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालन के हादसे के वक्त और हादसे के बाद से दिशा सालन का मंगेतर रोहन रॉय गायब है और रोहन रॉय दिशा सालन के मामले की सारी सच्चाई जानता है, जिसका चेहरा, जिसकी वीडियो अभी तक सामने नहीं आई और ना ही उससे कोई पूछताछ की गई, ठीक वैसे ही आनंदी धवन भी इस मामले से पूरी तरह से गायब है जो सुशांत के हादसे की पूरी सच्चाई जानती है। यहाँ तक कि यहाँ पर आनंदी धवन का नाम उनकी व्हाट्सएप चैट में भी वायरल हुआ था जब सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के साथ आनंदी धवन की चैट सामने आई थी, जिस पर ड्रग मामले पर बातचीत हो रही थी और उस पर भी आनंदी धवन का नाम सामने आया था। तो ये है आनंदी धवन की सच्चाई, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने इस बात का दावा तो किया कि आनंदी धवन 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर मौजूद थी, लेकिन अभी तक उसका कोई सबूत सामने नहीं आया। लेकिन सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी दोस्त थे या उनके फ्लैट में जितने भी लोग शामिल थे, जब उन सभी से पुलिस ने पूछताछ की है, सीबीआई ने पूछताछ की है, तो आखिर सीबीआई कब पूछताछ करेगी आनंदी धवन से? और कहाँ है ये आनंदी धवन, कहाँ गायब हो गई ये आनंदी धवन अपने परिवार के साथ, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। तो ये है पूरी सच्चाई आनंदी धवन को लेकर, जहां पर एक तरफ दावा किया जा रहा है आनंदी धवन के विटनेस होने का सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर, तो वहीं आनंदी धवन पूरी तरह से इस मामले से गायब नजर आ रही है। आखिर आनंदी धवन कहां है, इस पर सवाल अब भी बना हुआ है। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत मामले पर आनंदी धवन को लेकर, जिसमें आनंदी धवन ने किया चौंकाने वाला खुलासा कि आखिर कैसे 13 और 14 जून का सच आनंदी धवन जानती थी और उसके बावजूद भी आनंदी धवन सुशांत के हादसे से ही फरार है। 8 जून को जैसे रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था, ठीक वैसे ही 8 जून 2020 को आनंदी धवन भी मुंबई छोड़कर फरार हो गई थी और अपने घर पहुंच गई थी और उसके बाद से अब आनंदी धवन का कुछ भी पता नहीं है और ना ही उसके परिवार का।
तो यह है पूरा सच आनंदी धवन को लेकर। इस मामले पर आप सबका क्या कहना है ये बताना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए गुड बाय।